मैं चमकती मुनि बिरकुटी के कुटिया में विराजमान हूँ। शिव बाबा के मस्तक से शांति की किरणें निकलकर चारों ओर फैल रही है। ये किरणें मुझ पर पड़ रही है, ऊपर से मानो शांति की बरसात हो रही है। अब ये किरणें शांति की मुझ में समाकर चारों ओर फैल रही है और सब आत्माओं के हृदय को शांति कर रही है। मैं कहाँ से आई हूँ, मेरा असली घर कहाँ है? हाँ, तो मेरा असली घर परम धाम है, जिसे हम परम आनंद धाम भी कहते हैं। हम जो भी काम करते हैं, जैसे हम नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, सामान खरीदते हैं, खाते पीते सोते हैं, तो आपको आनंद मिलता है, जिसकी सब कोई हर कोई को तलाश रहती है। लेकिन ये आनंद आपको शाश्वत आनंद नहीं देता है। जिसको तलाश आपका जन्मों से कर रहे हैं, उसको पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, इससे हमें आनंद मिले। पर दुनिया का आनंद क्षणभंगुर होता है, सदा रहने वाला नहीं होता है। हमें तो जिस परम सुख, परम शांति, परम आनंद की चाहत थी, स्वयं भगवान अपने हाथों से परम आनंद का अमृत का घट हमारे ऊपर उड़ेल रहे हैं। हमारे ऊपर परम आनंद का अमृत बरस रहा है। हम परम आनंद के अमृत से स्नान कर रहे हैं। परमानंद के अमृत रस का पान कर दिल दीवाना हो गया, मन मतवाला हो गया। एक अद्भुत अलौकिक मस्ती मुझ में छा गई। मेरा रोम रोम परम आनंद से रोमांचित हो गया। मैं सच्चित आनंद में इतनी डूब गई कि खुद का भान न रहा। मेरे हृदय से परम आनंद, परम सुख, परम शांति की धारा निकलकर चारों ओर प्रभावित होने लगी। इस धारा में डुबकी लगाने लगे और परमानंद की मस्ती में ढूंढने लगे। सभी का हृदय परम आनंद से लबालब भर गया। ये कैसी अद्भुत अलौकिक अनुभूति है। बाबा, आप परमानंद से मुझे भरपूर कर दिया। मेरे जीवन का कायाकल्प हो गया। मैं परमानंद की कुमारी में खोई रहती हूँ। अब ये परमानंद की कुमारी जन्म जन्मांतर तक चढ़ी रहेगी। आपका छत्रछाया सदा मेरे सिर पर रहे। आपको धन्यवाद। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। सबका भला हो, सभी खुश रहे। ओम शांति, ओम।